हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीके टेक्निकल पॉइंट और मैं हूं दिनेश शर्मा। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी के पार्ट्स, प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है और ये कितने टाइप्स की होती है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज के टॉपिक में जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी के पार्ट्स, प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, ये कितने टाइप्स की होती है और इन सबका क्या वर्क होता है। इससे पहले जानते हैं मेमोरी क्या होती है। मेमोरी वह एक यूनिट होती है जिसमें किसी भी डेटा, कमांड्स या इन्फॉर्मेशन को स्टोरेज करते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, इट नोज एज मैन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मैन मेमोरी भी कहा जाता है, कंप्यूटर की मैन मेमोरी भी इसको कहते हैं। इट स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन विच प्रोसेस बाय सीपीयू इन प्रेजेंट टाइम, यानी कि यह उस डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोरेज करके रखती है जो सीपीयू द्वारा प्रेजेंट टाइम में प्रोसेस किए जाते हैं। यानी कि सीपीयू द्वारा जो भी प्रेजेंट टाइम में डेटा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस होता है वो इनको स्टोरेज करके रखती है। इट इज वॉलेटाइल मेमोरी नेचर, और इस मेमोरी का जो नेचर होता है वो वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल मतलब जब तक हमारा सिस्टम ऑन रहेगा तब तक ये उस डेटा को स्टोरेज करके रखती है, जैसे ही हमारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा तो वहां पे जो हमारा डेटा या इन्फॉर्मेशन है वहां से डिलीट हो जाएगी। यानी कि इसमें जो डेटा इन्फॉर्मेशन होती है वो परमानेंट नहीं होती है, वॉलेटाइल यानी कि टेम्परेरी होती है। जब तक सिस्टम ऑन है तब तक डेटा हमारा वहां पे रहेगा, और जैसे ही सिस्टम ऑफ हो जाएगा तो वहां पे हमारा जो डेटा है वहां से डिलीट हो जाएगा। इस तरह से इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। टाइप्स और प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो टू टाइप्स की होती है, एक होती है रैम, एक होती है रोम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम भी टू टाइप्स की होती है, डी रैम एंड एस रैम। डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम, एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम। और रोम की बात करें, रीड ओनली मेमोरी, ये थ्री टाइप्स की होती है। इसमें पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। ई रोम, पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम इरेसेबल प्रोग्रामेबल रोम एंड ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रोम। यानी कि हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है टू टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। और रैम के भी टू टाइप्स होते हैं, एस रैम एंड डी रैम। और रोम जो होती है रीड ओनली मेमोरी, इसके होते हैं थ्री टाइप्स, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। इस तरह से यहाँ पे अब इनके बारे में डिटेल्स में जानेंगे आगे कि रैम क्या होती है, इसके डी रैम क्या होते हैं और इनके थ्री टाइप्स जो है इनका वर्क प्रोसेस क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स रैम के बारे में जानते हैं, रैम क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल नेम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज ए हार्डवेयर डिवाइस, एक हार्डवेयर डिवाइस होती है। इट इज रीड एंड राइट मेमोरी, यानी कि यह एक रीड और राइट मेमोरी, इसमें हम कुछ भी रीड कर सकते हैं और इसको भी राइट भी कर सकते हैं। कंप्यूटर परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन रैम साइज और स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस होती है रैम के साइज पर डिपेंड करती है। अगर उसका स्टोरेज ज्यादा है तो उसकी जो स्पीड है वो ज्यादा होगी। अब इसके टाइप्स की बात करें, रैम का जो टाइप्स होता है टू टाइप्स के होते हैं, डी रैम एंड एस रैम। डी रैम यानी कि डायनामिक रैम और एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम। डी रैम यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट यूज कैपेसिटर्स टू स्टोर डाटा, ये डेटा को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर्स का यूज करती है। स्टोर डेटा लॉन्ग टाइम नीड रेगुलर रिफ्रेशिंग, यानी कि इसमें डेटा को लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज करने के लिए रेगुलर इसको रिफ्रेशिंग करना पड़ता है। DRAM चिप्स एक्सेस स्पीड टाइम इज 50 नैनो सेकेंड। DRAM चिप्स की जो एक्सेस डेटा को एक्सेस करने की जो स्पीड होती है वो 50 नैनो सेकेंड होती है। SRAM यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, टू स्टोर डेटा यूज ट्रांसिस्टर्स। SRAM के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए ट्रांसिस्टर्स का यूज होता है। टू स्टोर डेटा लॉन्ग टाइम नॉट नीड रेगुलर रिफ्रेशिंग, यानी कि इसके अंदर अगर डेटा को लॉन्ग टाइम तक हमें स्टोरेज करना है तो DRAM की तरह इसमें रेगुलर रिफ्रेशिंग नहीं करनी पड़ती है। इट इज फास्ट मेमोरी, डेटा स्पीड इज 10 नैनो सेकेंड, यानी कि ये जो मेमोरी है इसकी स्पीड जो फास्ट होती है और इसको डेटा एक्सेस करने की जो स्पीड है 10 नैनो सेकेंड है इसकी। यानी कि DRAM और SRAM के बारे में हमने यहाँ पे जाना। DRAM कैपेसिटर्स को यूज करती है डेटा को स्टोर करने के लिए, इसके जो लॉन्ग टाइम तक अगर यहाँ पर हमें डेटा को स्टोर करना है तो उसको रेगुलर रिफ्रेशिंग करना पड़ता है। और यहाँ पर इसकी जो चिप्स की जो एक्सेस टाइम होता है, यानी डेटा को एक्सेस करने का जो लिमिट होती है इसकी 50 नैनो सेकंड होती है स्पीड जो होती है। एंड SRAM में इस डेटा को स्टोर करने के लिए ट्रांसिस्टर का यूज होता है और इसमें डेटा को लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज करने के लिए रिफ्रेशिंग की नीड नहीं पड़ती है। और इसकी स्पीड DRAM की तुलना में फास्ट होती है और इसकी डेटा एक्सेस की जो स्पीड है 10 नैनो सेकंड होती है। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी यानी कि ऐसी मेमोरी जिसको हम केवल रीड कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंज
राइट वगैरह नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी डिवाइस, यह एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी डिवाइस है। यानी कि जब भी वॉलेटाइल क्या होता है, जब भी हम किसी सिस्टम को ऑन या ऑफ करते हैं उसमें जो डेटा होता है वहां से डिलीट हो जाता है वॉलेटाइल के अंदर। ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल, यानी कि इसके अंदर जब भी सिस्टम को ऑन या ऑफ करेंगे तो उसका कोई भी असर नहीं होगा, हमारा जो डेटा का जो स्टोरेज है वो चौका त्यों रहेगा, डेटा वहां से डिलीट नहीं होगा। डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोरेज परमानेंटली, इसके अंदर डेटा और इन्फॉर्मेशन जो होती है परमानेंटली स्टोरेज रहती है। रीड ओनली डेटा नॉट मॉडिफाई, और इसके अंदर हम डेटा को केवल रीड कर सकते हैं, उसमें कोई भी राइटिंग कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके टाइप्स की बात करें तो ये 3 टाइप्स का होता है, पीरोम, ईपीरोम एंड ईईपीरोम। पीरोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम, ईपीरोम इरेसेबल प्रोग्रामेबल रोम एंड ईईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसके 3 टाइप्स हैं, पीरोम ईपीरोम एंड ईईपीरोम। और ये रोम्स होती है इसमें नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि ये परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखता है, और यहाँ पर इस मेमोरी के अंदर हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। यह एक रीड ओनली मेमोरी, केवल उस डेटा को हम रीड कर सकते हैं। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी की टाइप्स के बारे में जानते हैं। इसका पहला टाइप है पीरोम। पीरोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट इज वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप, यह एक बार ही यूज करने की प्रोग्रामेबल चिप होती है। नेक्स्ट है ईपीरोम। ईपीरोम यानी कि इरेसेबल प्रोग्रामेबल रोम। By strong ultraviolet light can be programmed many times, यानी कि इसमें strong ultraviolet lights को use करके इसको कई बार reprogram किया जा सकता है, इसको हम एक से ज्यादा बार reprogram कर सकते हैं EEPROM को। EEPROM यानी कि electrical erasable programmable ROM, इसमें क्या होता है, it is similar EEPROM, यह EEPROM के similar होती है, इसको भी reprogram किया जा सकता है। By using electric charge it be reprogrammed, और EEPROM के अंदर क्या होता है, इसको electric charge के द्वारा कई बार reprogram किया जा सकता है। यानी कि इसके जो types होते हैं ROM, PROM, PROM क्या होती है, one time program कर सकते हैं उसको, एक chip होती है उसको one time ही program किया जाता है। EEPROM में उसको strong ultraviolet lights के द्वारा कई बार reprogram किया जा सकता है, और EEPROM में उसको electrically charge द्वारा उसको भी कई बार हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इस तरह से हमने जाना यहाँ पे रीच ओनली मेमोरी यानी कि रोम के टाइप्स के बारे में, और उनको हम किस तरह से, किस मेमोरी को कितने टाइप से और किस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा प्राइमरी मेमोरी के बारे में दी गई जानकारी, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, रोम क्या होती है, रैम क्या होती है और इनके भी कितने टाइप्स होते हैं और इनका वर्क प्रोसेस क्या होता है, ये सारी जानकारी मेरे द्वारा आपको जो दी गई, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।